आरजेसी न्यूज हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुस्लिम कमेटी की ओर से जिलाधिकारी को बिजली विभाग की लापरवाही और शहर में बिजली के लिए विभाग का जिम्मेदार न होने को लेकर ज्ञापन दिया गया। मुस्लिम कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद अनवर ने बताया कि शहर में फिटर के हिसाब से लाइट नहीं दी जा रही, मात्र 3 से 4 घंटे लाइट दी जा रही है। रमजान की हालत में लोग परेशान है। मुस्लिम कमेटी की ओर से ज्ञापन के साथ चेतावनी दी गई है, अगर 24 घंटे के अंदर लाइट की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुस्लिम कमेटी एक्शन कार्यालय पर भूख हड़ताल करेगी। देखिए, हमने आज मजबूरी में रोजे की हालत में हम लोग यहाँ पे आए हैं डीएम साहब के। पूरा शहर में तराई तराई मची हुई है बिजली को लेकर, विशेषकर रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें भी परेशान है पब्लिक और हमारे तमाम बिरादरान वतन जो हैं वो सब बिजली को लेकर परेशान हैं, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। तो हमने लिख के दिया है डीएम साहब को कि इसकी जो 24 घंटे हमारे यहाँ विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल मुकर्रर है उसके हिसाब से हमें बिजली मिलना चाहिए। मात्र 2-3 घंटे या 4-5 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो कतई भी हमारे साथ में शहरवासियों के साथ में उचित नहीं है इनका निर्णय। और डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र इस समस्या के ऊपर हम काबू पा लेंगे। हमारे सामने ही उन्होंने ऐसी विद्युत से बात भी की है और उनको चेतावनी भी दी है कि इस संबंध में शीघ्र कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं।